अंदर उमंग और उत्साह है और लोग पूरे तरस रहे हैं राम जी के दर्शन के लिए। 500 सालों के बाद जो असली आजादी है पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया के अंदर, आज हिंदुस्तान चमक रहा है, दमक रहा है, दुनिया विश्व देख रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों के अंदर गर्व और वो एक उत्साह है। इतनी भीड़ में दर्शन हो पाएगा? आराम से होगा, पूरा विश्वास है लोगों के अंदर, अति उत्साह है। इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है, जो अभी कल तो वीआईपी लोगों का तो नंबर था, आज आम पब्लिक के लिए खोल दिए गए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वह जो स्थल गर्भगृह है वो एक दिव्य रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि स्वयं त्रेता युग में जिस प्रकार भगवान राम जब विराजमान हुए थे और जिस प्रकार की उस समय की व्यवस्था रही और जिस प्रकार के सुझाव और जिस प्रकार के भक्ति भाव रहा, वो बहुत ही आनंदित रहा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विस्मता खोई, मांगे बारिश देह जल रामचंद्र के राज, और सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म सुनहीं सुत नीति, बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये भी स्थिति जो स्थिति त्रेता युग में रही वही त्रेता युग का झलक इस समय मिल रहा कि इतने भक्तों का समूह इस प्रकार से पूरे अयोध्या में भरा हुआ है और जय श्री राम के नारे जो लग रहे हैं वो एकदम अयोध्या, दिव्य अयोध्या, त्रेता युगी अयोध्या जैसी दिखाई पड़ रही है। इसी आज पहला दिन का जो दर्शन है, अभी भी इतने लोग वहाँ पर उपस्थित हैं कि इनके आज दिन चलेगा, कल चलेगा, मैं समझता हूँ कि आज भी दर्शन सभी लोग नहीं कर पाएंगे और कल भी इसी प्रकार से चलेगा, ये 2-4 दिन चलता रहेगा, क्योंकि इतना भक्तों के समूह आ गए हैं, विशेषकर 4,000 तो संतों के समूह हैं, जो 4,000 हर मंदिरों के जितने थे पूरे भारत के, प्रत्येक मंदिरों के एक एक लोग दूध दूध चर्चर को लेकर के आए हैं, इसलिए भीड़ जो है बहुत अधिक बढ़ी हुई है। राम मैं दिखाई दे रहा अयोध्या, इसलिए ऐसे अयोध्या को देखने लायक है और बहुत ही दिव्य है, बहुत ही सुंदर है, और सजा हुआ जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है, देखने लायक है कि किस तरह से लोगों का उत्साह भगवान राम के दर्शन के लिए लगा हुआ है और किस प्रकार उत्साहित हो रहे हैं राम भक्त, वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है। आरती वही जो पहले से होती रही 6:30 बजे, वही 6 बजे आरती हो गई है। अभी उसकी सिस्टम पूरा बनाना है और नए ढंग से आरती का और भोग का और उसके बाद में शयन आरती का ये सब बनाया जाएगा सिस्टम। एक दो दिन लगेगा। पहले तो उसी जैसे पहले रामलला के पूजा अर्चना होती रही और आरती होती रही वैसे हो रहा है, लेकिन अभी सिस्टम बदलेगा। उसी सिस्टम बदल जाने के बाद में यह मालूम पड़ेगा कि सही रूप से कै बजे आरती होना है, कै बजे उनको कहता है शयन करना है, कै बजे उनको ले जाना है, इस तरह के जो हैं सारी व्यवस्थाएं वो बनाना है और ट्रस्ट के माध्यम से बनेगा और उसी हिसाब से पूजा अर्चना भोग लगता रहेगा। अभी तो कह रहे हैं कि दर्शन का कुछ ही नहीं पूरा, अभी जैसे पहले रहा वैसे 6:30 बजे दर्शन खुल रहा है, दर्शन वैसे हो रहे हैं, अब उसमें बदलाव किया जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि हाँ दर्शन में बदलाव हुआ है, अभी नहीं बदलाव हुआ पूरे जैसे पहले रहा वैसे अब भी है, सब वही मूर्ति है वही इकट्ठा है और सबके सभी दोनों की मूर्तियों का, बड़ी मूर्ति, छोटी मूर्ति, जो नई मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने किया वो, और छोटी जो 4 मूर्तियां राम लक्ष्मण भरत चारों भाई शालिग्राम,
ये सारे सबके ही पूजा अर्चना और उसी व्यवस्था में वहाँ हो रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।